हेलो गाइज, वेलकम टू रीडिफाइन। अपने इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे रेंजिंग फ्रॉम 3D प्रिंटिंग गाइड टू एक्चुअल प्रिंट्स। इस वीडियो में हम कुछ फंक्शनल प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास टेबल पे एक हेलमेट है। यस, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, बट ये हेलमेट उसके लिए नहीं है। ये जो हेलमेट है, इस हेलमेट का जो वाइज़र है, वाइज़र को उसकी जगह पे होल्ड करने वाला एक पीस होता है। वो पीस मिसप्लेस हो गया था। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सर्च किया, बट ये जो स्पेसिफिक पार्ट है वो कहीं पे हमें मिल नहीं रहा था। एंड बाइंग ए कम्प्लीटली न्यू हेलमेट वुड नॉट बी ऑप्टिमल। क्या आपको पता है हेलमेट्स भी एक्सपायर होते हैं? वीडियो को यही पॉज कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, हमने भी वही किया था। टॉपिक पे वापस आते हुए, मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से हेलमेट को हर 3 से 5 साल में रिप्लेस करना चाहिए, बट इस हेलमेट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। एंड इस हेलमेट को वेस्ट लैंडफिल में जाने से बचाना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। यस, आप हेलमेट को विदाउट वाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट आपको फ़ाइन तो नहीं लगेगा, बट फ्रॉम ए सेफ्टी पर्सपेक्टिव वाइज़र्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी आंखों को डस्ट रेन से प्रोटेक्ट करता है, एंड इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इट कैन बी वेरी क्रूशियल। So what we thought is, instead of wasting more time searching for this part and not finding any, we decided to 3D print. So let's design the part and 3D print it. आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो पार्ट का डिजाइनिंग प्रोसेस। हमें ये डिज़ाइन फाइनल करने के लिए 2 इटरेशंस लगे। फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन हुआ था वो ठीक से फिट नहीं हो रहा था, बट इसके बाद वाला जो किया था डिज़ाइन वो अच्छे से फिट हो रहा था। बट ये हमने PLA में प्रिंट किया था, सो ये इजीली ब्रेक हो गया था। इसके बाद वी यूज्ड ABS टू प्रिंट द पार्ट। ABS से कुछ स्ट्रॉन्ग बना, बट आफ्टर टाइम वो भी प्रिंट फेल हो गया। वो भी प्रिंट ब्रेक हो गया। So after that we made a little change in the print. हमने उसका print orientation change किया। इस print orientation से layer lines weaker sections को completely cover करते हैं। इससे design को higher strength मिलती है। और फिर उसके बाद we decided to print with PETG। आपके सामने ये final product है and it worked great. ये उसका ओरिजिनल पार्ट था और ये वो पार्ट है जो हमने डिज़ाइन एंड प्रिंट किया है। अगर आप में से किसी को ये पार्ट डाउनलोड करना है तो इसकी STL फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप पार्ट को स्क्रीन पर दिखाए गए ओरिएंटेशन में प्रिंट करें विथ 100% इनफिल एंड विथ 3 टाइप सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये पार्ट जिस हेलमेट के लिए है उसका मॉडल नंबर और नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। एंड अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है, सो यू कुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, सो वी कुड प्रिंट द पार्ट फॉर यू। आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें 3 फायदे हुए। फर्स्ट, हेलमेट को लैंडफिल से जाने से बचाया, विच इज़ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, विच इज़ ग्रेट। हमें ये भी पता चला कि हेलमेट एक्सपायर भी होता है, एंड ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पैसे बच गए। सो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे 3D प्रिंटिंग रियल लाइफ में हेल्प कर सकता है, एंड यू नो पैसे बचाने के लिए। बट मूविंग ऑन, प्रोटोटाइपिंग एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।